तो हम भी लुकअप में बात कर रहे हैं सबसे पहले कुछ ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मल्टी कंडीशंस के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे पूजा का क्वांटिटी चाहिए, तो हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएं, इसको सिलेक्ट किए और पूजा की क्वांटिटी हमें मिल गई, ठीक है। लेकिन मुझे पूजा का क्वांटिटी चाहिए जो जयपुर में, ठीक है। ये जो आपने 84 दिया वो किसका दिया, एम्यूजेट का, राइट। लेकिन मुझे पूजा जो जयपुर में है ना उसकी क्वांटिटी चाहिए, कि हम दो कंडीशन को मैच करना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि दो कंडीशन को मैच कर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम जो है एक छोटी सी ट्रिक्स को अपनाएंगे। हम यहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेट करेंगे। हम क्या करेंगे कि नेम के साथ डैश लगा देते हैं और हम इसकी क्वांटिटी को, सर इसकी सिटी को कंबाइन कर देते हैं। हमने क्या किया, नेम और सिटी दोनों को ज्वाइन करके एक नेम और सिटी का बना लिया, यूनिक आईडी हो गया ना, आईडी यूनिक हो गया। फिर यहाँ जब वी लुकअप लगा रहे हैं ना हम, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि एन परसेंट और नेम ऑन सिटी। अब इसमें डैश हमने दिया, क्या डैश देना जरूरी है, जरूरी नहीं है, डैश हम देते ताकि हम खुद आइडिया लगा सके, समझे। और ये आपका बी से नहीं ए से स्टार्ट होगा, आगे चौथा छठा नंबर हो गया। मैं दोबारा बताता हूं, मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, हमने पूजा ले लिया एन परसेंट डैश, अगेन पूजा ले लिया कॉमा, डेटा सिलेक्ट किया, क्या आ गया 6.6.0, ठीक है। अगर 3 है तो मुझे एरिया को भी लेके जाना है, तो इसी चीज का यूज आप कर सकते हैं विदाउट इसमें, सर नहीं सर, ओके। अब इसी में पूजा इसमें कई बार रिपीटेड है ना, आपने देखा किसके अंदर, एक मैं डेटा छोटा डेटा उठाता हूँ, बहुत बड़ा डेटा दे दिया मैंने। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि मेरे पास जो पूजा है ना, यहाँ पे कई बार रिपीटेड, समझे। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे पहला, मुझे सारे पूजा का चाहिए डेटा, तो अगर सारे पूजा का टोटल आपको चाहिए तो यहां हम क्या करते हैं, टोटल चाहिए तो हम तो सम ही लगा लेंगे ना सर, सम यस इक्वल सम इफ, और हम यहां पे जाएंगे पूजा को सेलेक्ट करेंगे और मुझे वैल्यू का सम इफ चाहिए। लेकिन नहीं नहीं मुझे ही नहीं चाहिए, मुझे पता करना है कि 362 की क्या क्या कैलकुलेशन है, मैं कितना कितना आया था। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहूंगा पूजा को फिल्टर करूंगा, और यहाँ पे 84 है तो यहाँ पे 84.52.56 इस तरह से चाहिए, तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम जो है, इसके लिए आपको फिर लेटेस्ट एक्सेल में आना पड़ेगा। हमारे पास एक होता है टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन में जाएंगे, बोलते हैं आप ये होना चाहिए कॉमा, इग्नोर कीजिए ब्लैंक को। अब यहां पे हम इफ कंडीशन देंगे, इफ कंडीशन में हम पूरा सिलेक्ट करेंगे इसको और देंगे कि अगर ये पूजा हुआ तो क्या शो करे, डेटा शो करे, और यहां पे ब्लैंक दे देंगे। आ गया सर, अभी आपके समझ में ना आया होगा तो एक बार हम देखते हैं कि करता कैसे, कैसे कर काम कैसे कर रहा है। तो फॉर्मूला के एवलेट फॉर्मूला में हम जाते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया फॉर्मूला, टेक्स्ट ज्वाइन, हमने बोला कॉमा, मतलब कि सेपरेटर एक सेल से दूसरे, एक से दूसरे के बीच सेपरेटर जो होगा वो कॉमा होगा जी,
मतलब एक कोमा की जगह हम स्लैश भी लगा सकते, कुछ भी लगा सकते। ट्रू ओके, मतलब जो ब्लैंक शेल हो उसको ट्रू कर दे, मतलब कि फॉल्स उसको इग्नोर कर दे। फिर मैंने बोला यहाँ पे चाहिए नंबर, क्या चाहिए अपने नंबर चाहिए। तो नंबर देने के लिए मैं इफ फॉर्मूला है कि इफ अगर ए टू से ए एट मतलब कि नेम वाला कॉलम में अगर इक्वल टू पूजा है तो क्वांटिटी वाला कॉलम लगाए थे या समीप लगाए थे सर? इफ लगाया मैंने यहाँ पे, समीप तो यहाँ लगाया था टोटल निकालने के लिए ना, 300 निकालने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इफ ने क्या किया, पूजा को चेक किया, जहां जहां पूजा था वहां वहां ट्रू आ गया जी ना, और जहां जहां ट्रू था इसने वहां वहां वैल्यू दे दिया, और बाकी जगहों पे ब्लैंक कर दिया। ओके, और टेक्स्ट जॉइन को हमने क्या बोला हुआ है, इग्नोर द ब्लैंक, जितने भी ब्लैंक है सबको इग्नोर कर देगा और क्या रिटर्न करेगा, ओनली फॉर नंबर। ठीक है जी। अब यहां पे दो प्रॉब्लम है कि मुझे यहां इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे यहां पे सीरियल नंबर हमने यहां पे दे दिया, ठीक है मुझे इस तरह से कॉमा को नहीं चाहिए, मैं यहाँ पूजा टाइप किया था, पूजा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ आना चाहिए। अब आपके पास फिल्टर का फॉर्मूला है तो लगा सकते हैं इसको, आप डेटा को सिलेक्ट कर लिया, इंक्लूड मतलब कि किसको करना है, तो बोले नेम इक्वल टू पूजा, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, सारा रिकॉर्ड आ गया। तो हमने क्या बोला, फिल्टर पूरा डेटा सिलेक्ट किया, तो जिस कॉलम में पूजा को मैच करना है उस कॉलम को इक्वल टू पूजा कर दिया, एंटर प्रेस किया, पूरा डेटा यहां फिल्टर में आ गया। अब पूजा की जगह मैं देव करूंगा, यहां देव का डॉटर आ गया, आ गया। मनोज करूंगा तो मनोज का आ जाएगा। क्लियर है सर? जी जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो दोनों फॉर्मूले जो बताया मैंने आपको, टेक्स्ट ज्वाइन बताया और आपको फिल्टर बताया, दोनों फॉर्मूला अवेलेबल है लेटेस्ट सेक्शन में, समझे? ओके, पुराने एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। मतलब फिर मेरे सिस्टम में तो चलेगा भी नहीं, नहीं। तो अब पुराना एक्सेल आपके पास है तो कैसे करेंगे, एक तरीका है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है? मैं डलवा लूंगा सर, आज मैं डलवा लूंगा। नहीं वो तो पुराना तरीका ही बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे छोड़ दीजिए सर, बिना मतलब कंफ्यूज होऊंगा उससे बढ़िया मैं डलाऊंगा आज। ये भी ठीक है, देखिए ना सही, सिंपल है तो सर जी, जोड़ी ये भी है, सीरियल नंबर और नेम में यहाँ पे देव कर दिए। अब जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास कंडीशन नहीं था तो हमने क्या किया था सर, एक यूनिक आईडी डिफाइन किया था ना यहाँ पे, क्या सर? जी जी सर। ऐसे हम यहाँ एक यूनिक आईडी डिफाइन करेंगे, तो काउंट इफ का फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं, काउंट इफ, अब मैं बोला कि पूरे बी को, बी कॉलर में बी टू को काउंट करो, इसने बता दिया कि पूजा 8 बार, लेकिन मैं इसी काउंट इफ में थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूं, मैं बी टू पे गया, बी टू से बी टू कॉमा बी टू, दिख रहा है जी सर, पहले वाले बी टू को फ्रीज कर दिया, नीचे ड्रैग करेंगे तो अब क्या होगा, जब सीक्वेंस नंबर देगा, अब क्या कर रहा है आपका काउंट इफ का फॉर्मूला, जैसे मैंने अगर इसमें अमर को सिलेक्ट कर लिया तो बताया ये पहला अमर, ये दूसरा अमर, ये तीसरा अमर, ये चौथा अमर, ये पांचवा अमर, छठा अमर, कैसे कर रहा है, क्योंकि तो मैंने यहाँ जो फॉर्मूला लगाया उसमें हमने बोल दिया बी टू से पहले वाले बी टू को फ्रीज किया, बी 24 कर दिया, मतलब जहां फॉर्मूला लग रहा है हमारा ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने फॉर्मूला यहाँ लगाया तो हमने बोला कि भाई बी टू से बी टू कॉमा बी टू, जब नीचे ड्रैग किया तो बी टू से बी थ्री हो गया, आपका बी टू फ्रीज है ना। तो जैसे यहाँ पूजा टवल आ रहा है तो ये क्या हुआ कि जहां फॉर्मूला लग रहा है ना एक वो अपने से ऊपर तक के वैल्यू के अंदर ही काउंट कर रहा है, नीचे को नहीं कर रहा है, तो जैसे जैसे वो नीचे ड्रैग होता जाएगा वैसे वैसे उसकी काउंट जो है बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ 14 पे आया तो 14 पे उसको मिल गया दो पूजा ना, एक ऊपर मिल गया एक 14 का मिल गया, क्या
नीचे कितना पूछा है, सबको लेना देना नहीं है। तो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस नंबर हर किसी के लिए जनरेट कर दिया। क्या अकाउंट में फॉर्मूला क्यों लगाया, ताकि जितने भी नेम है, जितना बार रिपीट है, सबका एक सीक्वेंस नंबर जनरेट हो जाए। अभी ये यूनिक नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे देखिए वन कैब आ रहा है, टू कैब आ रहा है ना। तो इतना पता है कि पूजा के लिए वन एक ही बार है, नीतू के लिए वन एक ही बार, ठीक है जी। अब इसमें हम कॉन्केट कर देंगे इसका नाम डैश, इन बड़ों को हमें और नीचे का तरफ कर दिए रै, ठीक है यस। अब यहां पर मैं काउंट लूंगा और देव को काउंट करूंगा हमारे बी कॉलम, तो पता चला गया उल्टा लगा दिया काउंट इज, हमने बी कॉलम में देव को एड। अब यहां पे सिंपल इफ का फॉर्म लगेगा कि इफ अगर इसमें प्लस वन करूं तो ग्रेटर देन, अगर एट हो जाए तो ब्लैंक दे दो, ठीक है, अदरवाइज इसके ऊपर प्लस वन हो जाए। नीचे ड्रैग करने से पहले एच एट को हमें फीच करना होगा, ये हमने क्यों किया, एच एट को नहीं था इसको जी फोर, इफ का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं सर मैं, हेलो रवीन जी, जी सर क्यों लगाया मैंने इसका फॉर्मूला सर, कि उसमें दो तीन कंडीशन एग्जिस्ट करता है ना, इसलिए नहीं, अगर नहीं, ये नहीं, तो नहीं, नहीं। बेसिकली ए सीक्वेंस नेम है यहाँ पे, तो यहाँ भी जो वी लुकअप लगाऊंगा तो नेम और सीक्वेंस को क्या करूंगा, मर्ज करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ किया ना, नेम और सिटी था तो हमने यहाँ वी लुकअप लगाते, तो नेम सिटी को मर्ज किया ना जी, तो यहाँ भी मर्ज करूंगा, तो ये सीक्वेंस नंबर उतना ही आना चाहिए जितना कि ए नेम इस कॉलम में एग्जिस्ट करता है, जिसका अकाउंट यूनिक आईडी बना रहे, जी हाँ, तो इतना यहाँ उतना ही नंबर आपको रिप्रेजेंट करेगा जितना वो नेम रिपीट है बी कॉलम में, ओके, जितनी बार वो नेम वहां पे लिस्ट में है, जी हाँ। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले काउंट का घुमा लगाया ताकि काउंट बता देगा एट, फिर मैंने यहाँ पे बोला कि अगर ए वन में प्लस वन करने में, जहां फंबल लग रहा है उसके ऊपर प्लस वन करने पे, अगर वो बड़ा है जे एट से, मतलब कि देव की काउंट से, तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज एच एट प्लस वन कर दो। ए फॉर्मूला हमने आपके साथ डिस्कस किया था इफ के अंदर में, इफ की पहली क्लास में याद होगा शायद आपको, और इफ एरर लगाया ताकि नीचे ड्रैग करूं तो एरर ना ले जी। तो अब नाम आ गया, अब मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा और सिंपल सा इस सीरियल नंबर को कॉन्केट कर दूंगा डैश के साथ नेम पे, नेम, और फिर इसको यहां सेलेक्ट करूंगा और मुझे चाहिए नेम कॉमा टू कॉमा जीरो, ठीक है। अब नीचे ड्रैग करना है तो हमारा आईफोन फ्रीज होगा, ए भी फ्रीज होगा, और एच एट का हमारा एच फ्रीज होगा, नहीं ए, हाँ एच फ्रीज होगा, ये ठीक है। अब इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, अब इसमें क्या करना है, बस टू को क्या कर देना थ्री, या फिर मैच लगा दूंगा मैं फाइव एंड सिक्स, समझे, और नीचे की तरफ ड्रैग। अभी एरर आ रहा है तो क्या करेंगे सर इसके लिए, ये एरर समझ गए, यस। यहाँ पे देव कर दीजिए या पूजा कर दीजिए या मोहन कर दीजिए, सवाठी बार एक काम करता हूँ मैं, मोहन को यहाँ मोहन एक बार और लिख देता हूँ, पड़ गया जी। यहाँ थी हमारी वी लुकअप, तो यहाँ मैं आपका लुकअप एंड रेफरेंसेस का चैप्टर क्लोज करता हूँ।
कल से हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन।